नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। देखिए क्या होता ना कि हमारे परिवार वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो समाज से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमें मांगना पड़ता है, लोग कहते हिजड़े मांगते हैं, सड़कों पर दिखाई देते हैं। अरे भाई, हमें आपने मांगने लायक ही रखा है ना, ना हम रोजगार कर सकते हैं, हमें घर से निकाल दिया जाता है, हम कहाँ जाएं, हमें कौन रखेगा। अरे हम भी शिक्षित हैं, मौका देने की जरूरत है, हम झारखंड को बदल सकते हैं। हेमंत सोरेन हमारा कुछ नहीं सुनता है। ठहरिए, इस विजुअल को देखकर कुछ आप और समझ लें। आपको हम बताते चलें, ये किसी बच्चे की जन्म पर बलैया नहीं ले रहे, न कोई नए घर की बधाइयां दे रहे हैं और न कोई त्योहारी ले रहे। ये अपनी व्यथा सरकार को अपने तरीके से सुना रहे हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आज किन्नर समाज के लोगों ने नाच गाकर सरकार को एक संदेश दिया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई बार किन्नर समाज सरकार को अपनी संदेश देता रहा है। बावजूद इसके अभी तक इस समाज के लिए किसी भी सरकार ने पहल नहीं की है, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाएं, जिससे आज भी किन्नर समाज महरूम है। सही सुना, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अल्बर्ट एक्का चौक के समीप किन्नर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और अपने समाज के उत्थान के लिए अलख जगाने का प्रयास भी किया। और क्या हुई बातें और किन्नर समाज के लोगों ने क्या कहा, आइए खबरों के माध्यम से देखते हैं। पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बताते चले अपने दर्शकों के लिए, यदि अभी तक आपने एसएमपी झारखंड के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लाइव न्यूज और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं इस खबर की तरफ।
आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे लिए उत्साह का दिन है, लेकिन झारखंड में हम कोई भी उत्साह नहीं मना पाते हैं, क्योंकि झारखंड की सरकार 2014 से सो रही है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, नालसा जजमेंट ने ये कहा था कि सारे राज्यों को वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए, लेकिन 2014 से 2021 आ गए, लेकिन हमारे लिए वेलफेयर बोर्ड तक नहीं बनाया गया। आज तक हमारे लिए आवास योजना नहीं दी गई, हमें रोजगारों से जोड़ा नहीं गया, हमें शिक्षा से जोड़ा नहीं गया, हमारे लिए कहीं शौचालय नहीं है, हमारे लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है, तो बताइए हम कहाँ जाएं? सरकार को हम पत्र देते हैं, सरकार पत्र को रिसीव करती है, उसके बाद हमारे लिए कोई विकल्प नहीं होता कि हम क्या करें, हमें मांगना पड़ता है। लोग कहते हैं हिजड़े मांगते हैं, सड़कों पर दिखाई देते हैं, अरे भाई हमें आपने मांगने लायक ही रखा है ना, ना हम रोजगार कर सकते हैं, हमें घर से निकाल दिया जाता है, हम कहाँ जाएं? हमें कौन रखेगा, हमें कौन जॉब देगा, हमें कोई नहीं जॉब देता। अरे भाई मौका तो देकर देखिए, हम तो अर्धनारेश्वर हैं, हमें तो स्त्री और पुरुष की दोनों की ताकत है, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जाता है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए सरकार को ये बताने के लिए कि हम भी झारखंड में हैं, हमारे बारे भी सोचिए, हमारे लिए भी शौचालय बनवाइए। अरे हमें भी दिक्कत होती है, हमें भी कठिनाइयाँ होती हैं, एक शौचालय तक तो आप बनवा दीजिए अपने रांची शहर में या झारखंड में कहीं पे भी, नहीं है। हमारे लिए सामुदायिक भवन नहीं है, हमारे रोजगार का कोई साधन नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है, वही हम सरकार को आज जागरूक करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सरकार हमारे बारे सोचे और हमें भी। मेरा नाम अमरजीत, मैं उत्थान संस्था के सचिव हूँ जो झारखंड में अपने समुदाय के लिए कार्य करती हूँ। धन्यवाद। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपके चाईबासा, जमशेदपुर और रांची के त्रिलिंग समुदाय शामिल हुए हैं। आपको नहीं लगता है रांची के और लोकल लोग नहीं है यहाँ पे? देखिए क्या होता है ना कि हमारे परिवार वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो समाज से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर आज यहाँ वहाँ आ जाएंगे, कल आपकी मीडिया में वो दिख जाएंगे, तब अबे तू तो छक्का है, तू तो गांडू है, तू ऐसे कार्यक्रम में गया था, तो उस व्यक्ति की क्या इमेज खराब होती है वो हम जानते हैं ना। इसलिए क्या होता है, हम हर राज्य में जाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और दूसरे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, ताकि ये मतलब आगे हो करके और मतलब काम आने पाए। ऐसा आप झारखंड निवासी और सरकार को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारे यही है कि सरकार जागे, हमारे बारे सोचे, हमें हमारे लिए भी रोजगार का साधन निकाले, हमारे लिए भी शिक्षा का साधन निकाले। छत्तीसगढ़ में तो ट्रांसजेंडर पुलिसों में आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं एक भी ट्रांसजेंडर पुलिस में है, कोर्ट में है, नहीं है। अरे हम भी शिक्षित हैं, मौका देने की जरूरत है, हम झारखंड को बदल सकते हैं। हेमंत सोरेन हमारा कुछ नहीं सुनता है, हमने बहुत सारे लेटर दिए हैं, हेमंत सरकार कर यहाँ के लोकल व्यक्तियों की बात सुनती है, हमारे ट्रांसजेंडर के कोई मुद्दे को वो नहीं सुनते हैं, हम तो शून्य में गिनती आते हैं। देखिए मुलाकात नहीं है, लेकिन वैक्सीन का टाइम पे हर बार हम जाके मिले थे जिला उपायुक्त से, हमें वैक्सीन दिया जाए, वैक्सीन तक से वंचित किया जा रहा था हमें, बताइए तो हम कहाँ जाएंगे? पल पल और ब्रेकिंग खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो और लाइक करना ना भूलें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।